हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज का हमारा टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है आज इसका लेक्चर मेरे पास टू है इसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर टू की इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बाइसेक्शन मेथड का आपको वर्किंग रूल बताया है और उस पर बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद साइंटिफिक कैलकुलेटर ठीक है मतलब वो हमारी अच्छी प्रॉब्लम्स थी जिसमें को साइंड था ये सब यूज़ होता है उसको मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके बताया आज हम इसमें एक न्यू प्रॉब्लम्स लेके आए हैं कि किस टाइप से एक और क्वेश्चन बायोसेक्शन मेथड में आ जाता है आज हम इसको सॉल्व करेंगे वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से मैं प्रीवियस वीडियो का लेक्चर आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूंगी आप वहाँ से जाके मेरी प्रीवियस वीडियो बायोसेक्शन मेथड की देख सकते हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस के काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट करा लिए हैं अप्रॉक्स फोर्टी प्लस वीडियोस मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस पर करा चुकी हूँ अब वो भी देखें और साइंटिफिक कैलकुलेटर किस तरह से यूज़ करते हैं जो कि ये नुमेरिकल एनालिसिस में ज़रूरी है आप वो भी वीडियो ज़रूर देखें ठीक है सो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर टू की हमारे पास इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको नुमारिकल एनालिसिस में कोई अदर टॉपिक्स या कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी उस पर आपको क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करूँगी ठीक है नाउ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो यूजिंग द बाई सेक्शन मेथड ये बाई आता है एग्जाम्स में इसमें हमें फर्स्ट स्टेप में कहा है इन फोर्थ स्टेप तक हमें इसको करना है मतलब फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन तक हमें इसको सॉल्व करना है सेकेंड उन्होंने हमसे कहा है कि करेक्ट टू फोर डेसीमल प्लेस फोर डेसीमल प्लेस तक करेक्टली हमारे पास इसका आंसर लेके आना है ठीक है तो ये दो पॉइंट्स में हमें क्वेश्चंस को पूछ रहा है अब क्वेश्चन देख सॉरी नाउ सॉल्यूशन लेट फंक्शन हमारे पास जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के फोर एक्स माइनस नाइन ठीक है अब हम यहां ध्यान, ध्यान देते हैं अब हमें लेके आना है वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से नाउ फंक्शन एक्स की जगह हम जब जीरो रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो आप ये तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा हमें क्या मिल रहा है निगेटिव निगेटिव आ गया हम विद साइन आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है अब आप एक्स की जगह वन रखेंगे तो ये भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे यहाँ तो वन आ जाएगा माइनस फोर वन माइनस नाइन ठीक है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो थर्टीन माइनस के थर्टीन और यहाँ पे वन है तो माइनस करेंगे तो माइनस ट्वेल्व आ जाएगा अब आप इसी तरह से एक्स रेज टू दी पावर अगेन हमें यहाँ माइनस मिला है इसलिए हमें नेक्स्ट फंक्शन को भी फाइंड आउट करना पड़ रहा है यहाँ पे हम एक्स की जगह टू रखेंगे तो मतलब अब टू की पावर क्यूब अब यहाँ ध्यान दें हाँ अब हम जब एक्स की प्लेस पर टू रखेंगे तो उसको हम अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखते हैं यहाँ पे टू एक्स क्यूब है मतलब पहले तो टू और एक्स क्यू ये वाला फंक्शन है ठीक है तो अब हमारे पास यहाँ आ गया टू की पावर क्यू माइनस फोर एक्स फोर इंटू टू एक्स की जगह माइनस हमारे पास क्या है नाइन ना अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया माइनस के नाइन आया है तो हमने वही लिखा एफ फंक्शन टू पर वैल्यू क्या आई है माइनस के, के नाइन अब हम देखेंगे एफ ऑफ थ्री पर क्या आएगा ठीक है थ्री का क्यूब क्या होगा तो ये इसी तरह से थ्री अब यहाँ पे एक्स क्यूब की बात हो रही तो ये क्यूब थ्री क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री माइनस नाइन यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करके आंसर मिल रहा है पॉजिटिव सिक्स ठीक है मतलब एफ थ्री इज इक्वल टू प्लस के सिक्स अब हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट में हमने देखा था हमें दो अपोजिट साइन तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ता है तो हमारे पास माइनस टू तो मिला फंक्शन ऑफ टू पे और प्लस सिक्स मिला है थ्री पर तो मतलब अब हमें अपने इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देना है ना हम इसको यहाँ इस तरह से लिख देंगे कि एफ ऑफ टू इज इक्वल टू नेगेटिव एंड एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू पॉजिटिव द रूट लाइज बिटवीन टू एंड थ्री ठीक है अब हमारा रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है अब हम निकालेंगे इसमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू प्लस थ्री बाई टू इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव ना फंक्शन ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू पॉइंट फाइव ठीक है ये वाली वैल्यू हमें इस वाले पूरे फंक्शन में रखनी है एक्स क्यूब माइनस के फोर एक्स माइनस नाइन नाउ अब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत और पड़ेगी टू पॉइंट फाइव का क्यूब नहीं याद रहता किसी को भी ठीक है माइनस फोर टू पॉइंट फाइव माइनस नाइन अब इसकी वैल्यू हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे अब यहाँ ध्यान दें यहाँ पर देखें टू पॉइंट फाइव अब इसकी पावर क्यूब माइनस हमारे पास क्या है फोर फोर इंटू टू पॉइंट फाइव फिर माइनस करेंगे नाइन सॉल्व करके हमारे पास डायरेक्ट आंसर आया माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव हमने यही लिखा माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव ठीक है ये हमारे पास क्या आ गया निगेटिव आंसर नाउ अब हमें निगेटिव साइन से निगेटिव को रिप्लेस करें मतलब हमारे पास निगेटिव फंक्शन को निगेटिव से रिप्लेस करना है निगेटिव फंक्शन हमें किस पे मिल रहा था टू पे अब हमारा आंसर किसम आया टू पॉइंट फाइव पे बस हमें यही चेंज करना है पॉजिटिव वाला सेम ऐसे ही रहने देना है हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा फंक्शन ऑफ टू पॉइंट फाइव इज इक्वल टू निगेटिव ठीक है एंड एफ 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 थ्री इज इक्वल टू पॉजिटिव द रूट लाइज बिटवीन टू पॉइंट फाइव एंड थ्री ठीक है अब हम इसका नेक्स्ट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास एक्स टू इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइव पॉइंट फाइव बाई टू हमें आंसर मिलेगा टू पॉइंट सेवन फाइव अब हमें फंक्शन में एक्स के प्लेस पर क्या रखना है टू पॉइंट सेवन फाइव तो हमने वही लिखा एफ टू पॉइंट सेवन फाइव फंक्शन क्या था हमारे पास टू पॉइंट सेवन फाइव क्यूब माइनस फोर टू पॉइंट सेवन फाइव माइनस नाइन इसको सेंटफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे टू पॉइंट सेवन फाइव क्यूब माइनस फोर इंटू टू पॉइंट सेवन फाइव माइनस नाइन हमारे पास आंसर आया जीरो पॉइंट सेवन नाइन सिक्स एट फाइव प्लस में आया है तो हम वही लिखेंगे जीरो पॉइंट सेवन नाइन सेवन इज इक्वल टू हमारे पास पॉजिटिव है अब हमें क्या करना है पॉजिटिव वाले फंक्शन को पॉजिटिव से रिप्लेस करना पॉजिटिव वाला फंक्शन क्या था थ्री ठीक है अब हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास आएगा टू पॉइंट सिक्स फाइव प्लस टू पॉइंट सेवन फाइव बाई टू तो हमारे पास टू पॉइंट सिक्स एट फाइव ये हमारे पास फोर्थ स्टेप तक हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पे सॉल्व करने के लिए कहा था तो इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया फोर्थ स्टेप तक कहा था मीन्स फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन तक सॉल्व करने के लिए कहा था तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है नेक्स्ट उस उन्होंने हमसे कहा था कि फोर डेसिमल प्लेस तक लेके आओ तो अगेन हम इसमें फंक्शंस को रखेंगे तो सेकंड स्टेप भी आपको क्या करना है प्रोसेस इसी तरह से आप हमारे पास यहाँ पे क्या है टू पॉइंट सिक्स सेवन फाइव ये हम अपने फंक्शनल वैल्यू में रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा निगेटिव तो निगेटिव को हम नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास अगेन वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे टू पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव यहाँ पर रखेंगे एंड पॉजिटिव का तो यही रहेगा टू पॉइंट सेवन फाइव सो द रूट लाइज बिटवीन टू पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव एंड टू पॉइंट सेवन फाइव ठीक है आप यही प्रोसेस आगे करते रहें हमारे आप खुद सॉल्व करें इस प्रोसेस को वैसे ही क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया था क्योंकि इतने लेंदी पोस्ट क्वेश्चन हमें फोर्थ मतलब फर्स्ट स्टेप तक तो इम्पोर्टेंट है लेकिन जो सेकंड स्टेप है आपको अगर बाय चांस एग्जाम्स में सेकंड पार्ट भी आ जाए कि डेसिमल प्लेस तक रखें तो उसको किस तरह से करें तो वो मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिया था सो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे फिर सिक्स करेंगे सेवन करेंगे एट नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ फिर थर्टीन और फोर्टीन पर जाके कहीं हमारा अप्रोक्सीमेशन फोर्थ डेसीमल प्लेस तक सेम आएगा ठीक है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इस प्लेस से मैंने ये पूरा नहीं सॉल्व किया डायरेक्ट आंसर लिख दिया आप प्रैक्टिस करें आप इसके ये आंसर्स मैच करें और आपको कहीं थर्टीन एंड फोर्टी तक जाके आपको फोर्थ डेसिमल प्लेस पर वैल्यू सेम मिलेगी मतलब लास्ट के जो फोर्थ डेसिमल प्लेस हैं ये वैल्यूज सेम आ जाएगी देखिए यहाँ पर टेन और के कुछ कुछ क्लोज आ गया है एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन एंड फोटीन तक सेम आंसर आ जाएगा सो so, ये बाइसेक्शन मेथड का हमारा ये पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करे, करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब